Yes, this is really a feat actually, if somebody is getting position top 7. Because in this test, from all over Gohana, 720 students participated. From a lot of students, if you are getting top 7 position, this is really a feat. And this happened because of the cooperation of your esteemed principal ma'am, Saroj ma'am, and respected ma'am also. So give a huge round of applause for the principal ma'am and ma'am. So, and you know, students, in future also, after 12th class, you'll have a lot of exams. कितने सारे एग्जाम्स आपको देने हैं? तो अभी से यदि आपको ऐसे चांसेस मिलते हैं कि आपको पता लगे कि हम किस लेवल पर हैं, हमारे को कितनी और मेहनत करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे एग्जाम्स में तो हमारे को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, टीचर्स कितने कोऑपरेटिव हैं, कि फर्स्ट टाइम था लेकिन फर्स्ट टाइम में उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि आई थिंक 33 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, 31 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। तो इफ मैनेजमेंट इज सपोर्टिंग यू ऑन दिस लेवल, तो आप बच्चों का भी तो दायित्व बनता है कि अच्छे से पढ़कर, अच्छे से इंटरेस्ट लेकर जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है उस अपॉर्चुनिटी को कैच करें। तो इस टेस्ट के अंदर 17 स्कूल्स के, 17 स्कूल्स के बच्चे थे, जिसमें से 720 टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सब बच्चों के, कुछ बच्चों के पोजीशंस भी आई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपका फर्स्ट टाइम था और हमने आपको आई थिंक 4 या 5 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी इस टेस्ट की। तो लेकिन उसके हिसाब से आपके आंसर शीट्स जो हैं 7 to 10th के बच्चों की, काफ़ी अच्छी आंसर शीट्स थी। एंड वेरी सून वील हैव वन एजुकेशनल ट्रिप ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम, होता है उसकी प्रिपरेशन किस लेवल पर करनी होती है, किस तरीके से करनी होती है। सो विद दीज वर्ड्स, बिकॉज वी हैव द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑल्सो, सो आई रिक्वेस्ट आर एस्टीम्ड प्रिंसिपल मैम फॉर सम मोटिवेशनल वर्ड्स अबाउट दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। The medal holders, Paras from class 7th. He has got 7th position. 7th पोजीशन आई है इसकी, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि मतलब विदाउट एनी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन यू नो ही डिड वेल। छोटी छोटी क्लास का बच्चा है। वेरी गुड। अभी अभी कोई भी दे दीजिए, अभी कोई भी दे दीजिए, बाद में एक्सचेंज कर। पारस का ही। वेरी गुड। क्लैपिंग टू नॉट स्टॉप। नेक्स्ट इज लीजा फ्रॉम क्लास 10th। लक्ष्य क्लास 8th मानसी। सेवेंथ पारस अगेन। अच्छा पारस, ओके पारस, ही इज द टॉपर। हो जाते हैं क्योंकि तौर पर अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें, व्हाट इज हेल्थ? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? यस, दिस थ्री एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ पर्सन इज सोशली, मेंटली एंड फिजिकली फिट, तीनों तरीके से यदि कोई फिट रहता है उसको हेल्थ बोलते हैं। ना कि केवल शरीर से तो फिट है, मन से परेशान है और समाज में लोगों से उसको बनानी नहीं आती, उसको तो बीमारी बोलेंगे।
या कोई मन से ठीक है, शरीर से भी ठीक है, लेकिन समाज में कैसे बातें करनी है, कैसे बिहेवियर करना है वो नहीं पता, उसको भी बीमारी बोलेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य मतलब क्या, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। सो वेरी नाइस एंड ऑल स्टूडेंट्स दे आर शेयरिंग रियली इतना डीप लेवल पे, इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैंने सोचा नहीं था, बट कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स वाकई में बहुत अच्छी है कैंपस स्कूल के अंदर। वेरी नाइस, well, it was my first time and I was very nervous at the first because it was my friend. I get to know about how questions can come and what's their level, and it boosted my confidence and it made me feel like how to socialize with others. Very good. जैसा कि हमने वहाँ पे टेस्ट दिया काफी सारे बच्चों के साथ, हमने कॉम्पिटिशन जो किया है सर, उससे बेसिकली हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं सर। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। वेरी नाइस। दिस एक्सपीरियंस फॉर मी, इवन दो इट वाज माय फर्स्ट टाइम, आई गेट टू सोशलाइज विद अदर्स वेरी नाइसली एंड आई थिंक the questions were a little difficult but we did our level best and tried to do and we will try to do even more better in the future. Wonderful. Very good. Anyone else who has spoken? Bolo. So main the experience tha aur jo questions the वो खैर हमने पढ़े नहीं थे, फिर भी हमने ट्राई किया तो अच्छे से हुआ और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था। और मेरा ये थर्ड टाइम था। अच्छा थर्ड, पहले yes. पहले कहाँ लिया है? बरोदा गोहाना में। विच इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन की तरफ से? साइंस एज साइंस की तरफ। अच्छा, से और सेकंड टाइम फिर? सेकंड टाइम भी उन्हीं ने लिया था तो थर्ड टाइम ये था। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Not standing at the top, but I was think that I can do better. But after that, I think that I am doing good. जैसे हम वहाँ गए थे तो जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, हमें जो एग्जामिनर मिले थे वो बहुत ज़्यादा हमसे कैजुअली हमें फील करवा रहे थे कि हम यहाँ पे अच्छा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। हमने वहाँ पे बहुत अच्छा, you were feeling comfortable. Yes sir. मतलब बहुत अच्छा एग्जाम भी हुआ था हमारा। पता है कई बार क्या होता है, आपको पता चला? ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट एग्जाम एंड आई हैव आल्सो लर्न हाउ क्वेश्चंस कम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे हम दूसरों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, ये भी हमने वहाँ पे सीखा। माय सेकंड टेस्ट I gave in competitive exams. According to me, I am feeling very excited and I learned that time management is very important in these kind of exams. Wonderful, very nice point.